नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर, स्वागत है आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे मंगली दोष के बारे में। घर के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके विवाह की बात चलाई जाती है, तब जन्म पत्रिका मिलाई जाती है और तब सबसे पहला प्रश्न ज्योतिषी महाराज से पूछा जाता है, वह प्रश्न होता है कि संबंधित लड़का या लड़की मंगली है या नहीं। मंगली शब्द मंगल से लिया गया है, जो कि नवग्रहों में से एक है। मंगल पृथ्वी जैसा ग्रह माना जाता है, जिस पर जीवन होने की खोजें चल रही हैं। हमारी ज्योतिष के आधार पर यह एक गर्म प्रभाव वाला ग्रह है, जो कि सेनापति के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह का प्रभाव बहुत उग्र माना जाता है। जन्म कुंडली मिलान के समय सबसे पहले मंगल ग्रह की अनुकूलता को देखा जाता है। मंगल ग्रह यदि अनुकूल हो तो विवाह बहुत मंगल होता है, और यदि मंगल ग्रह जन्म कुंडली में अनुकूल ना हो तो तब सीधा सीधा बात होती है मंगली दोष की। जब मंगल किसी जातक की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें तथा बारहवें भाव में बैठा हो तो मंगल दोष बनता है। दक्षिण भारत में दूसरे भाव के मंगल को भी मंगली योग में शामिल किया जाता है, लेकिन यह तथ्य यहां पूर्ण नहीं होता। यदि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, शुभ राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुक्र या बृहस्पति के साथ, या इनकी शुभ दृष्टियों से युक्त हो, तो भी ऊपर बताए गए स्थानों पर होने के बावजूद मंगल को दोषयुक्त नहीं माना जाता। उदाहरण, यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान पर अपनी उच्च राशि मकर पर बैठा हो तो ऐसी स्थिति में मंगल को दोषयुक्त नहीं माना जाएगा। आज हम मंगल दोष को लेकर जो गलतफहमियां समाज में फैली हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के नियम कभी कभी बहुत सरल लगते हैं, पर यह बहुत जटिल है, इसलिए यह ज्ञान जब तक पूर्ण ना हो तब तक इसका प्रयोग किसी पर ना करें, क्योंकि कई विशेष परिस्थितियों में चंद्र लग्न, शुक्र लग्न, बृहस्पति लग्न की स्थितियों को भी देखना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब जरूरत पड़े तो किसी अच्छे ज्योतिषी की मदद जरूर लेनी चाहिए। आइए अब जाने कि 1, 2, 4, 7, 8वें और 12वें भाव में बैठकर मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव। प्रथम भाव, जिसे लग्न स्थान भी कहते हैं, इस स्थान पर मंगल ग्रह के होने से जातक गुस्से वाला होता है, वाणी पर संयम के अभाव के साथ बिना सोचे समझे काम करता है। इस भाव के मंगल से त्वचा रोग और ज्वर बार बार परेशान करता है। प्रथम भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो तो यहां से चतुर्थ दृष्टि से सीधा सुख भाव, सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान, अष्टम दृष्टि से मृत्यु स्थान पर अपना प्रभाव बनाता है, जिसके चलते विवाह के पश्चात माता से लड़ाई, वाहन दुर्घटना, सुख साधनों में कमी, आय में बरकत ना होना, छोटे छोटे वाक युद्ध बड़े झगड़ों का रूप लेकर विवाह विच्छेद की स्थिति तक पहुंचना जैसे योग इसके अंदर बनते हैं। दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव। दक्षिण भारतीय नजरिया है ये। यह स्थान मंगली प्रभाव युक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि यह स्थान जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से अष्टम होता है। सरल शब्दों में समझें तो दूसरा स्थान जीवन साथी का मृत्यु स्थान होता है। इस स्थान पर मंगल के आने से अनिष्ट होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन मुख्य कारणों को देखते हुए ही दक्षिण भारतीय ज्योतिषी दूसरे भाव के मंगल को मंगली दोष युक्त मानते हैं। दूसरे स्थान में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो तो यहां से चतुर्थ से सीधा संतान भाव, सप्तम दृष्टि से मृत्यु स्थान और अष्टम दृष्टि से नवम स्थान पर अपना प्रभाव बनाते हैं, जिसके चलते प्रेम विवाह के बाद विवाह विच्छेद, विवाह पश्चात संतान उत्पत्ति में बाधाएं आना, संतान का अल्पायु होना, जीवन साथी के आत्मविश्वास में कमी आ जाना, भाग्य का बिल्कुल साथ ना देना जैसी समस्याएं आती हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव। चतुर्थ भाव विवाह से सुख प्राप्ति का स्थान होता है। इस स्थान से माता सुख, भवन, वाहन, शरीर का आराम देखा जाता है। चतुर्थ भाव में विराजमान होकर मंगल ग्रह सीधा चतुर्थ दृष्टि से विवाह स्थान, सप्तम दृष्टि से कार्य स्थान और अष्टम दृष्टि से लाभ स्थान पर अपना प्रभाव बनाते हैं। इस भाव में मंगल के खराब प्रभाव से जातक के वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियां बर्बाद हो जाती है। विवाह हो जाने के बावजूद विवाह का सुख नहीं मिल पाता। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिन सुख सुविधाओं की निरंतर आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके चलते वैवाहिक जोड़े में लड़ाई झगड़े होते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं।
सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव। सप्तम स्थान विवाह सुख और रोजमर्रा के कार्यों पर अपना प्रभाव डालता है। घर में यदि सब एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखें और एक दूसरे के आदर व सम्मान का ध्यान रखें तो यह जीवन स्वर्ग है। सप्तम भाव में विराजमान होकर मंगल ग्रह सीधा चतुर्थ दृष्टि से कार्य स्थान, सप्तम दृष्टि से जन्म स्थान और अष्टम दृष्टि से कुटुंब स्थान पर अपना प्रभाव बनाते हैं। इसके चलते पति और पत्नी में गुस्सा और अहंकार के कारण बात बात पर झगड़े होते रहते हैं। इस योग में व्यभिचारी होने के कारण विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा पाई जाती है। यदि मंगल बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति में हो तो आत्महत्या जैसी संभावनाएं भी बनती है। अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव, इसे अष्टम मंगली भी कहते हैं। अष्टम भाव मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट, सम्मान हानि, आत्मविश्वास, निंदनीय गुप्त कर्मों को प्रकट करने वाला स्थान है। अष्टम भाव में विराजमान होकर मंगल ग्रह चतुर्थ दृष्टि से लाभ स्थान, सप्तम दृष्टि से कुटुंब स्थान, अष्टम दृष्टि से पराक्रम स्थान पर अपना प्रभाव बनाते हैं। इस स्थान पर मंगल खराब प्रभाव में जाए तो दुर्घटनाओं का भय, नीच कर्मों में लिप्त रहना, गुप्त विवाह, विवाह के बाद भी किसी गुप्त संबंध में रहना आता है, जिसके चलते कोर्ट कचहरी, कुटुंब की बदनामी, पैसे की हानि होती है। अब जानेंगे हम द्वादश भाव में मंगल के प्रभाव को, इसे द्वादश मंगली भी कहा जाता है। द्वादश भाव व्यय और नाश स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर जब मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम स्थान, सप्तम दृष्टि से रोग स्थान, अष्टम दृष्टि से विवाह स्थान पर अपना प्रभाव बनाते हैं। इस दृष्टि प्रभाव के चलते जातक अलगाववादी और पृथकतावादी विचार करने वाला होता है। व्यभिचार में लिप्त, भयंकर गुप्त रोगों से मृत्यु, रक्त विकार, मित्रों के गलत प्रभाव में होने से विवाह विच्छेद होने के योग बनते हैं। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहूंगा, मंगली दोष के पूर्ण विश्लेषण से पूर्व किसी को मंगली घोषित नहीं करना चाहिए। छह भावों में मंगल के होने से मंगली दोष का निर्माण होता है, परंतु इस दोष को भंग करने वाले योग भी हमारी जन्म कुंडली में होते हैं, जिसे आजकल के ज्योतिषीय जानते तक नहीं, जिसके चलते मंगल का दंगल चारों ओर फैला हुआ है और अनायास ही भय फैलाया जा रहा है। ऊपर दी सभी समस्याओं के समाधान के लिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल व सटीक उपाय बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुने। पहला उपाय, जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष हो, मंगल नीच राशि का हो, मंगल कर्जा बढ़ाने वाला हो, पति पत्नी के बीच अशांति बनी रहती है, तो उसको उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए और वहां मंगल शांति के लिए भात पूजन करवाना चाहिए। दूसरा उपाय, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मंगलवार के दिन भक्तिभाव से किया करें। तीसरा उपाय, वट सावित्री का व्रत रखें, इससे भी आपका मंगली दोष तेजी से शांत होगा। चौथा उपाय, स्त्री वर्ग को रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को राखी भेंट करनी चाहिए और अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवा उपाय, मंगली होने पर भी विवाह हो जाए और समस्याएं ज्यादा हो तो तुरंत महामृत्युंजय का पाठ विधि पूर्वक करवाएं। छठा उपाय, सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रतिवर्ष 2 बार जरूर करवाएं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों, आज हमने आपको मंगल दोष के बारे में जानकारी दी है और यह बताया है कि कौन से भाव का मंगल क्या प्रभाव डालता है। यदि आप भी मंगल दोष से पीड़ित हैं और इस दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और विस्तार से इसके बारे में जानें। हमसे जन्म कुंडली बनवाने, अपॉइंटमेंट लेने के लिए टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल या मोबाइल नंबर पर आप अभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, आप हमारे द्वारा प्रसारित सभी एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदलिए अपना भाग्य मेरे साथ। नमो नारायण, आपका दिन शुभ व मंगलमय।